हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सैनी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ब्लैक ऑप्स कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 में जो एरर आता है स्टॉप वर्किंग का, आप उसे कैसे हटा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब भी गेम चलाते हैं, गेम खुल जाती है, उसके बाद एकदम से ब्लैक स्क्रीन आती है और नीचे एक बहुत बुरी सी चीज़ लिख के आती है, जिसे हम बोलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 हैज स्टॉप्ड वर्किंग। तो आज मैं बताऊंगा कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरे डेस्कटॉप पे आइकन देख रहे होंगे जैसे मैं हिला रहा हूँ, जैसे टेढ़ा मेढ़ा करके। तो पहले इस गेम को मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि मेरे में जो गेम थी वो चल रही थी कि नहीं चल रही थी, जिससे आपको ये लगे कि ट्रस्टेड बंदों में पूरा। तो ये देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मेरी गेम बीच में बंद हो गई। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको टास्क बार में जाना है, वहाँ पे डेट एंड टाइम में सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे आके टाइम जोन पे जाना है। टाइम जोन पे जाने के बाद जो आपका चेन्नई कोलकाता मुंबई जहाँ पे लिखा हुआ है टाइम जोन, उसको आपको करना है बीजिंग हांगकांग। इतना करने के बाद आपको जाना है चेंज डेट एंड टाइम, इसमें जाने के बाद आपको जाना है 2012 में, और वहाँ पे जाके आपको 14 नवंबर डेट सेट कर देनी है और अप्लाई कर दो उसे और ओके कर दो। रिफ्रेश करना है तो कर दो, आपकी मर्जी, करना है तो करो वरना मत करो। तो अब आप गेम चलाएंगे तो गेम चल जाएगी। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो। ये बिल्कुल सही है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको आपके सामने गेम चला के दिखाता हूँ और गेम प्ले भी दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, आगे चल रही है कि नहीं चल रही। और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है या गेम नहीं चलती, तो आप मुझे नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा। जैसे आप देख रहे थे, पहले गेम बंद हो गई थी मेरी बहुत पहले ही, पर अब चल गई है। तो गेम को स्टार्ट करते हैं आगे। वैसे इस एरर के आने से पहले इस गेम में कोई इशू नहीं आया था, पर जब मैंने दूसरी बार ओपन करी थी उसके बाद इशू आया था ये वाला। वैसे आप इस गेम को खेल के देखिए, बहुत बढ़िया। जैसे कि आप देख रहे हैं गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। Tell me pretty lies.